अस्सलाम वालेकुम प्रिय मुलानो, आज अपन इयत्ता आठवी विषय मराठी यातून पाठ क्रमांक 9 भूमिगत या पाठाचा अभ्यास करणार आहोत। पहले बच्चों, उससे पहले हम भूमिगत इसके मीनिंग है रूपोष। रूपोष यानी क्या? छुपकर काम करना। इस सबक को लिखा है जिसके लेखिका है मुमताज रहमतपुरे ने सबक को लिखा है। और इस सबक में राष्ट्रीय एकता की यानी देशभक्ति की जो है कहानी बयान की गई है। हम छोटा सा इसका प्रस्तावित जो है मैं आपके सामने बोलने जा रहा हूँ, आप गौर समाज करें। प्यारे बच्चों, इस पाठ में जो है तो हमारे देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद किन किन क्रांतिकारकों ने करवाया है, उनके उनके बलिदान, उनकी कुर्बानियों को इस सबक में जो है तो बताया गया। जिसमें सबसे पहले 8 अगस्त 1942 की चलवल में यानी तहरीक में जो है तो सबसे पहले गांधी जी ने अंग्रेजों को ये नारा दिया कि छोड़ो भारत। फिर गांधी जी यानी कौन? हमारे भारत के राष्ट्रपिता, हमारे राष्ट्रपिता। तो उनके साथ मिलकर कई क्रांतिकारकों ने जो है तो फिर धीरे धीरे हमारे अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम शुरू की और आखिरकार जो है तो हमें हमारे मुल्क को अंग्रेजों के से 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। यहाँ पर इस कहानी में एक शंकर नाम का क्रांतिकारक है, वो जब अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम चलाता है और जब जेल तोड़कर जो है तो भागता है तो सबसे पहले वो अपने दोस्त अब्दुल के पास जाता है, अब्दुल के घर जाता है। वहां उसे आसरा चाहिए था अंग्रेजों से छुपने के लिए, क्योंकि पुलिस उसके पीछे होती है। और अब्दुल के दिल में भी जो है उसकी भावनाएं भी कैसी है? देश प्रेमी। अब्दुल भी ये चाहता है कि नहीं, मेरा दोस्त जेल तोड़कर आया है तो भी, और वो काम नेक काम कर रहा है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और अपने बीवी बच्चे घर बार छोड़कर सब कुछ छोड़कर जो है तो अपनी जान की परवाह ना करते हुए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा है। तो क्यों ना मैं मुमकिन हो सके छोटी सी मदद करूं, उसे अपने घर में पनाह दूं जगह तो छुपने के लिए। और फिर अब्दुल की पत्नी उसकी बीवी जैबुन, वो भी जो है तो उसका भी यहाँ पर बहुत अच्छा रोल बताया गया है कि वो उसकी जो शंकर की मुमकिन खिदमत जो है तो खाने पीने की वो करती है। यही पार्ट में यही बात को राष्ट्रीय एकता को यहाँ पर बताया गया। और इसी तरह के कई क्रांतिकारकों की बलिदान की वजह से जो है तो हमारा मुल्क आजाद। चलिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं, आप अपनी किताबों में देखेंगे।